जैकेट की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 20 इंच, अक्रॉस बैक 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 30 इंच, स्लीव लेंथ 17 इंच, बॉटम 10 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का जो फॉर्मेट है, फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 20 इंच है, सीम अलाउंस आधा इंच, टर्निंग 1 इंच, टोटल हमारा हुआ 21.5 साढ़े 21 इंच। जब हम कटिंग करेंगे तो इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। हमारी फुल लेंथ है 20 इंच, हम अभी यहां पर 20 इंच लेंथ लेंगे। ये हमने यहां पे जैकेट की फुल लेंथ ली, यहां से यहां तक। ये हमारी ध्यान रखना ओपन साइड रहेगी, ओपन साइड, ये फुल लेंथ है। इसके बाद हम अक्रॉस बैक का निशान लगाएंगे। अक्रॉस बैक हमारा 14 इंच है, अक्रॉस बैक का हाफ करेंगे 7 इंच। 7 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ये हमारा तीरे का निशान हमने लगाया, अक्रॉस बैक का हाफ इज इक्वल टू 7 इंच। आर्म होल का निशान लगाने के लिए, आर्म होल का जो हमारा मेथड है, आर्म होल का मेथड हमारा है अक्रॉस बैक का हाफ प्लस 1 इंच। जिस भी प्रकार की हमारी जैकेट होती है उसमें हमें आर्म होल थोड़ा बड़ा ही रखना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच ऐड किया। तो हमारा यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे यहां से यहां तक 8 इंच। चेस्ट हमारी 36 है, चेस्ट का फॉर्मेट है चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 यानी डेढ़ इंच। 36 को 4 से डिवाइड किया 9 इंच प्लस 1.5 डेढ़ इंच इज इक्वल टू साढ़े 10 इंच। चेस्ट लाइन जो हमारी निकल करके आई वो हमारी यहां से लेफ्ट लाइन से लेकर के अंदर की तरफ हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे, साढ़े 10 पर। ये हमने यहां से यहां तक चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 10.5 साढ़े 10। वेस्ट हमारी 30 इंच है, वेस्ट का जो फॉर्मेट है वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2.5 यानी ढाई इंच। इसमें ढाई इंच हमने ऐड जो किया है वो डॉट के लिए किया है, एक इंच हमारा डॉट के लिए है। इसमें वेस्ट हमारी 30 इंच है, 30 को 4 से डिवाइड किया तो 7.5 इंच प्लस ढाई इंच, टोटल हमारा हुआ 7.5 और ढाई 10 इंच। ये ध्यान रखना है डॉट के लिए हमने यहाँ पे एक इंच ऐड किया है। अगर आप थोड़ी चौड़ी जो है डॉट लेना चाहते हो डेढ़ इंच पे ऐड कर सकते हो, एक एक इंच भी कर सकते हो, जितने भी डॉट की आप चौड़ाई रखना चाहे रख सकते हैं। यहां पे हम निशान लगाएंगे कमर का 10 इंच पर।
फेस लाइन से हम इस प्रकार मिलाएंगे। ये यहाँ पे हम इक्वल एक निशान लगा लेते हैं जितनी हमारी चेस्ट है सेंटर करने के लिए, क्योंकि हमें यह बैक पार्ट भी शो करना है। ये यहां से जिस प्रकार हमने ये फ्रंट बनाया है, ये हमारा फ्रंट है, उसी प्रकार हम यहाँ पे बैक बनाएंगे। बैक के लिए लेंथ जितनी हमने फ्रंट में लेंथ रखी है उतनी ही हम बैक में लेंथ रखेंगे। सबसे पहले हम बैक की लेंथ लेंगे, ये हमारी जो बैक है वो फोल्ड साइड होगी, फोल्ड साइड यहां से यहां तक। उसके बाद हम तीरा लेंगे, तीरा हमारा 7 इंच है, आर्म होल 8 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल का, चेस्ट 10.5 इंच इस प्रकार ये निशान लगाएंगे। यहां पे हमने एक्रोस बैक का हाफ इज इक्वल टू 7 इंच लिया, ये 8 इंच लिया, यहां से यहां तक हमारी चेस्ट डिवाइड बाय 4 + 1.5 इज इक्वल टू 10.5। वेस्ट के लिए जितनी हमारी यहां पे वेस्ट ली उतनी ही हम बैक में लेंगे, 10 इंच हमने फ्रंट में हमारे फॉर्मेट के हिसाब से वेस्ट निकल करके आई थी, ये हमने यहां वेस्ट का निशान लगाया और चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से मिला दिया इस प्रकार। ये जो हमने ये सेंटर ये लिया था इसीलिए लिया था ताकि हम यहाँ पे शो कर सके कि ये हमारी वेस्ट है। ये यहाँ पे हमने 10 इंच लिया, यहाँ पे हमने 10 इंच लिया कमर यहां से यहां तक। उसके बाद हम तीरा डाउन करेंगे, तीरा डाउन करने के लिए 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, नेक की विड्थ लेंगे, नेक की विड्थ निकालने का जो फॉर्मेट है चेस्ट डिवाइड बाय 12 + 1 इंच, 36 को 12 से डिवाइड करने पर 3 इंच और 1 इंच इसमें प्लस किया तो 4 इंच, यहां से हमने 4 इंच अंदर आना है और निशान लगा देना है। इसको तीरे को जिस डाउन किया है उसको हम नेक की विड्थ से मिलाएंगे, ये जो हमने डाउन किया तीरा आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे, डाउन किया है तीरा आधा इंच हम अंदर की तरफ आएंगे, ये जो तीरा लाइन है इसको आधा इंच अंदर की तरफ जहां गोलाई करेंगे ये बाहर की तरफ आएंगे। यहां से हमने 1/2 इंच तीरा डाउन किया, डाउन करके इस लाइन से आधा इंच बाहर की तरफ आए और ये हमने निशान लगा दिया। ये जो हमारी लेंथ बची है यहां से यहां तक की लेंथ का हाफ करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, ये जो हमने आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाया था इस तीरे को डाउन किया था इसको मिलाते हुए इससे मिला देंगे, इससे मिला करके और ये फ्रंट की आर्म होल की हम सेव कर देंगे इस प्रकार। जैकेट में मेन चीज ध्यान देनी होती है कि जितना भी डीप आर्म होल रखना चाहे हम उतना ही गोलाई करेंगे, कम करना चाहे तो कम करेंगे। उसी प्रकार हम बैक में भी हम 1/2 इंच डाउन आएंगे और आधा इंच हम ये बाहर की तरफ भी निशान लगाएंगे। विड्थ हम उतनी ही लेंगे जितनी हमने फ्रंट में ली है और इसको इससे मिला देंगे इस प्रकार। बैक लेंथ जो हम लेंगे 1 इंच, अगर आप डीप रखना चाहे डीप भी रख सकते हैं, बैंड का बनाना चाहे बैंड का बना सकते हैं। यहां पे हमने 1 इंच लेंथ रखी है और इसको इससे मिला दिया। ये मिलाने के बाद फ्रंट में ये जो हमने नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है यहां पे
यहाँ पे जितनी भी लेंथ लेनी है, चेस्ट डिवाइड बाय सिक्स लेनी है, कम ज्यादा जो भी रखनी है, चेस्ट लाइन, ये हमारी चेस्ट लाइन है, बिल्कुल चेस्ट लाइन के सामने हम यहाँ पे डेढ़ इंच, एक इंच, सवा इंच, अपने हिसाब से जितनी हम गहराई लेना चाहे उतना ही इस लाइन से अंदर हम निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे निशान लगाया, ये लेंथ लाइन से अंदर की तरफ आए, एक इंच, डेढ़ इंच, दो इंच, जितनी भी आप गहराई देना चाहते हैं उतना ही यहाँ पे निशान लगाना है। वेस्ट लाइन पे, यहाँ पे डेढ़ है तो वेस्ट लाइन पे भी डेढ़ इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर एक है तो वेस्ट लाइन पर भी एक इंच, ये निशान लगाया। ये निशान लगा करके ये जो हमारी फ्रंट नेक की विड्थ है इसको उठाते हुए और इन निशानों से मिलाते हुए हम जैकेट के फ्रंट की शेप करेंगे। यहां पे इसको मिलाते हुए इस प्रकार इसको यूं मिलाते हुए और यहां पे लाके हमें मिला देना है। यहां से जो हमने ये शेप, यहां से डेढ़ इंच का जो हमने मार्जिन लिया था, इस लाइन से हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद बैक में डॉट डालेंगे। डॉट डालने का जो फॉर्मेट है, साढ़े तीन अंदर की तरफ आएंगे, साढ़े तीन अंदर की तरफ आके निशान लगाएंगे। ये निशान लगा करके हम डॉट की लेंथ का निशान लगाएंगे। हमने डॉट के लिए एक इंच ऐड किया था तो हम यहाँ पे आधा आधा इंच की लगाएंगे, डेढ़ करते तो पूना पूना इंच की लगाते। ये हम डॉट का निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। आप विदाउट स्लीव बनाना चाहे जैकेट विदाउट स्लीव बना सकते हैं, स्लीव के साथ बनाना चाहे स्लीव के साथ भी बन सकती है। ये हमने यहाँ पे आधा इंच की, एक इंच ऐड किया था इसलिए हमने यहाँ पे आधा आधा इंच का डाला है। ये हमने पौना इंच डाउन किया था, ये आधा इंच हम बाहर की तरफ आए थे, बैक में भी आधा इंच बाहर की तरफ आए, आधा इंच ये बाहर की तरफ आपकी, और इसकी हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए जो आधा इंच बाहर की तरफ आए इसको पकड़ेंगे और इससे मिलाते हुए इस प्रकार इसकी हम सेव करेंगे और चेस्ट लाइन से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद यहाँ पे आप एक फेसिंग दे सकते हैं, कोई डिजाइन बना सकते हैं, बैंड लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारी फ्रंट जैकेट है, ये वाली, यहाँ पे आप पाइपिंग लगा सकते हैं, ये जो शेप दी है, फेसिंग दे सकते हैं, किसी भी लेस वगैरह के साथ हम इसको फिनिश कर सकते हैं। ये करने के बाद हम स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। अगर हम स्लीव लगाना चाहते हैं तो स्लीव लगा सकते हैं, विदाउट स्लीव बनाना चाहते हैं तो जैकेट विदाउट स्लीव भी बनाई जा सकती है। स्लीव लेंथ हमारी 17 इंच है, स्लीव लेंथ 17 इंच। सबसे पहले हम स्लीव की लंबाई लेंगे, ये हमने स्लीव की लंबाई ली, उसके बाद स्लीव की विड्थ निकालेंगे। विड्थ निकालने का जो फॉर्मेट है, स्लीव विड्थ हिप डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इंच इजिकल टू 8 इंच, 36 इंच हमारी चेस्ट है, 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच में से 1 इंच माइनस किया 8 इंच। स्लीव की विड्थ हमने ली यहां पर 8 इंच, यहां से यहां तक ये हमारी फुल लेंथ है स्लीव की।
यहाँ पर हम जितनी हमने ऊपर निशान लगाया है विड्थ का, उतना ही हम यहाँ पर विड्थ का निशान लगाएंगे। लेंथ लेंगे, यहाँ लेंथ का निशान लगाएंगे, इसको इससे मिला देंगे यहां पर इस प्रकार। ये मिलाने के बाद ये ओपन साइड है, ये फोल्ड साइड है, ओपन साइड की तरफ डाउन आएंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 12 प्लस 1 इंच, 36 को 12 से डिवाइड किया 3 इंच प्लस 1 किया 4 इंच, 4 इंच हम नीचे निशान लगाया ये, और इसको यहां से उठाते हुए इस बाजू की शेप कर देंगे। यहां से पौने इंच अंदर आएंगे, पौने इंच अंदर आके ये हम फ्रंट की शेप कर देंगे। ये करने के बाद बॉटम का हाफ करेंगे, बॉटम हमारी 10 इंच है, बॉटम का हाफ किया तो 5 इंच, फोर्थ साइड से इधर निशान लगाएंगे हम 5 इंच पर, और इस आर्मोर को जो हमने डाउन किया है इसको हम यहां पर बॉटम से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद यहां पे हमारी जो ये यहां से यहां तक की बॉटम है, बॉटम का हाफ 5 इंच, यहां पे हमने लिया था 4 इंच, ये हमारी स्लीव। अगर हम जैकेट में स्लीव लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते बिना बाजू के भी जैकेट बनाई जा सकती है। ये हमारी जैकेट की ड्राफ्टिंग बनकर तैयार हुई।